शुक्राणु की कमी, लो स्पर्म काउंट, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक साल होने के बाद में भी यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर लोग आते हैं कि भाई हमको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या कारण है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि क्या आपने सेक्स किया, तो 10 से 20% लोग ये बोलते कि हमने अभी तक सेक्स ही नहीं किया। लोग, उनका सेक्स हुआ ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं हुआ? तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या उनको डर लग रहा है, या उनको जो भी कुछ है, मगर उन्होंने सेक्स किया नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी है, जो भी कुछ कारण होगा। फिर उनको हम उसके लिए इलाज करवा दें कि भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो इलाज करो, होमोसेक्सुअलिटी है तो वो इलाज करो, है ना, समलिंगी आ सकती है तो गे है, तो जो भी कारण है कि सेक्स हुआ नहीं है तो उसका इलाज करना है। सेक्स कर रहे हैं मगर तभी बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि भाई आपका स्पर्म काउंट कितना है, आपका जो सीमेन है, धातु जो है, उसमें स्पर्म काउंट कितना है। वो यदि आप टेस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो मालूम पड़ेगा। अभी एक समय यदि आप हस्तमैथुन करते हैं या सेक्स करते हैं, तो 2 से 2.5 ml, 2 से 2.5 ml वीर्य बाहर निकलता है। अब यूरिया में 15 million per ml ये कम से कम स्पर्म काउंट होना जरूरी है, 15 million per ml per ml। उससे कम यदि है तो बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। एवरेज में लोगों का 60 से 120 मिलियन स्पर्म काउंट रहता है एवरेज में, मतलब 6 करोड़ से 12 करोड़ पर ml। हमको चाहिए सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे के लिए, तो फिर 1.5 करोड़ भी रहे तभी हो सकता है। मगर 1.5 करोड़ होने के बावजूद भी यदि वो स्पर्म में, वो शुक्राणु में, वो पुरुष बीज में ताकत नहीं है, वो हिलते नहीं है फास्ट जितना हिलना चाहिए, मोटिलिटी उनकी नहीं है, ताकत नहीं है, वीक है, तभी बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यदि कम है स्पर्म काउंट, स्पर्म्स कम है, तो फिर आपको रोज सेक्स करना जरूरी है। कब? 10 से लेकर 20 दिन के बीच में, मतलब उसकी MC जो चालू होती है वो दिन से 11th डे पकड़ना, MC चालू होने का दिन है वो, वहाँ से 11th डे पकड़ना, 11th डे से 20वें दिन तक ये 10 दिन सेक्स करना जरूरी है, ताकि ये दिन में कभी भी कंसीव हो सकती, कभी भी प्रेग्नेंट रह सकती है। बहुत ही स्पर्म काउंट कम है तो फिर उसका इलाज करना जरूरी होता है। उसके कारण क्या होते? एक तो है वेरिकोसिल, मतलब वेंस जो है स्कोटम की, वो बहुत मोटी मोटी होना वेरिकोसिल होता है। इन्फेक्शन है, सूजन आई हुई है, कोई मार लगा हुआ है टेस्टिकल को, हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल है, और बाकी कोई नशीले चीज़ें ले रहे हैं, पदार्थ ले रहे हैं, टेस्टिकल के ट्यूमर्स है। तो समझो ये सब कारण ढूंढ के निकालना पड़ता है कि कारण क्या है कि स्पर्म काउंट कम है। किसी को बचपन से ही अजूस्पर्मिया रहता है, और अजूस्पर्मिया मतलब एक भी स्पर्म ही नहीं है, या ओलिगोस्पर्मिया मतलब 15 मिलियन जो है, 15 मिलियन से कम पर ml। तो उसका इलाज का कारण ढूंढना जरूरी है। इलाज के लिए कारण आप ढूंढ लेते हैं तो डेफिनेटली इलाज करना संभव है। इसमें जो दवाई आती है वो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। 10 से 20 ये जो पीरियड है, मतलब MC चालू होने से 10वां दिन या 11वां दिन, वहाँ से 20वां दिन तक, इसमें रोज़ संभोग होना जरूरी है। क्योंकि पहले ही कम है तो आपका रोज़ संभोग होता है तो ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोगों को बहुत टेंशन आता है कि नहीं, अभी 10th डे या 11th डे से लेकर 20वें दिन तक रोज़ संभोग करना है, क्योंकि उसमें बच्चा पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय स्त्री बीज तैयार रहता है। अब उस समय टेंशन आता है, प्रेशर आता है, और अभी उनको इरेक्शन नहीं आता, कठोरता नहीं आती, रोज रोज कर ही सकते नहीं। फिर ऐसे समय फिर दवाई लेके इरेक्शन लाना जरूरी होता है। उस समय फिर हम टाडालाफिल, सिल्डानाफिल, वर्दानाफिल ऐसी गोली देते हैं, और वो गोलियों से फिर उनको इरेक्शन आता है। इरेक्शन करके वो रोज कर सकते हैं, और रोज करने के बाद में चांसेस है कि उनको बच्चा हो जाएगा। अभी बच्चा होता ही नहीं है तो ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। लोगों को लगता है कि नहीं, अपना बच्चा चाहिए। हम बोलते ठीक है भाई, अभी आपको ब्लड बैंक से सीमेन लाना पड़ेगा, और ब्लड बैंक से सीमेन लाके उसको इंजेक्ट करो योनि में, और उसको बच्चा हो जाएगा। तो नहीं नहीं हमको तो मेरा ही बच्चा चाहिए, हमारा ही बच्चा चाहिए। तो ठीक है, फिर देखो आपका बच्चा भी नहीं हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो फिर लोग गोद में लेते हैं, वो भी संभव है। या फिर स्पर्म काउंट बराबर है, बाकी सब चीज़ें बराबर है, तभी बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब स्त्री बीज लेना, पुरुष बीज लेना,
उनका समागम कर लेना एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में, और वहाँ से फिर वो फर्टाइल एग जो है वो अंदर फिर से डाल देना। तो ये भी करते हैं, वो भी संभव है यदि बच्चा होता नहीं तो। एग्जैक्ट कारण ढूंढना जरूरी होता है कि भाई स्पर्म काउंट का कारण कम है तो क्या क्यों है, और है तो फिर उसका इलाज क्या है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।